साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। नमस्ते बच्चों, मैं वैशाली सोनी अभ्युदय विद्यास्थली से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग एक का पाठ 7। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो हम लेखक का परिचय सबसे पहले जानेंगे। तो इस साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि हैं श्री साहिर लुधियानवी जी। इनका जन्म 8 मार्च 1921 लुधियाना में हुआ था, 8 मार्च 1921। इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980, 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में हुई थी। ठीक है, ये तो हुआ लेखक का परिचय। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी। एक व्यक्ति था जो मृत्युशैया पर थे। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, बेटों को बुलाया, 4 बेटे थे उनके, बेटों को बुलाया और चारों को एक एक लकड़ियाँ दी और कहा कि इन्हें तोड़ कर दिखाओ। चारों ने लकड़ियाँ तोड़ दी। फिर पिता ने एक लकड़ियों का बंच दिया उनको और कहा कि अब इसे तोड़ कर दिखाओ। तो वो किसी से भी नहीं टूटा। तो पिता ने कहा कि अगर तुम इन लकड़ियों की तरह समूह में रहोगे तो तुम जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। तो आज इस कविता के माध्यम से भी हम ऐसी ही कुछ सीख प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए हम आज पढ़ते हैं आज का पाठ साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कितनी सुंदर बात कही गई है इस कविता में। साथी हाथ बढ़ाना मतलब कि अगर एक अकेला व्यक्ति काम करेगा और बोझ उठाएगा तो वो थक जाएगा, और अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो वो अकेला व्यक्ति थकेगा नहीं। जिस प्रकार से अगर घर में 10 लोगों का खाना मम्मी अकेले बनाएगी तो थक जाएगी, और सब लोग मिलकर बनाएंगे तो जल्दी खाना भी बनेगा और मम्मी थकेगी भी नहीं। ठीक है, तो एक सिंपल सा उदाहरण आपके सामने है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। अब यहाँ पर बताया गया है कवि ने, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया, मतलब मेहनती लोग होते हैं, जो परिश्रमी लोग होते हैं, जब वो एक साथ मिलकर चलते हैं और कार्य करते हैं तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है। अर्थात बड़े बड़े समुद्रों पर भी आज हमारे देश में पुल बने हुए हैं, तो समुद्र को भी लोगों ने जीत लिया है। पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, मतलब कि मनुष्य की बाहें और सीना उनका इतनी फौलाद की तरह है कि उन्होंने चट्टानों में भी राहें पैदा कर दिए। आप कहीं पर भी बड़े बड़े शहरों में जाओ, सिटियों में जाओगे तो देखोगे बड़ी बड़ी टनल्स बनी हुई है ट्रेन के लिए, बसेस के लिए, तो चट्टानों में भी हमने राहें निकाल ली है। तो ये मेहनत का ही कमाल है और साथ में मिलकर करने का कमाल है। ठीक है, तो समझ में आई होगी आपको ये बात। आगे हम पढ़ेंगे, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात मेहनत अपने लेख की रेखा, भाग्य की, मेहनत करना भाग्य में लिखा है तो फिर मेहनत से क्यों डरना। मेहनत करना तो भाग्य में लिखा है और जो मेहनत करता है जीवन में वही सफल होता है,
जो मेहनत नहीं करता वो सफल बिल्कुल नहीं होता। बहुत ही एकाध 100 में एक व्यक्ति होगा जो बिना मेहनत के कुछ प्राप्त कर ले, परंतु जो मेहनत करता है वही सफलता हासिल करता है। कल गए रो की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अर्थात यह जो कविता है स्वतंत्रता के 10 साल बाद लिखी गई थी, तो सन 1957 में कवि ने यह कविता लिखी। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेज बहुत मेहनत करवाते थे हमारे देश के लोगों से, तो जब दूसरों अंग्रेजों के लिए गुलाम बनकर हमने इतनी मेहनत की, तो आज हमें अपने देश के लिए अपनी खातिर मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें अपने लिए अपने देश के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख ही एक। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा दुख और हमारा दुख एक है और सुख भी एक है, तो फिर हमें क्यों नहीं मेहनत करना चाहिए, मेहनत से दिल क्यों चुराना। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता एक, अर्थात हमारी जो मंजिल है वह सत्य की मंजिल है, सत्य को प्राप्त करने की मंजिल है। हमारा जो लक्ष्य है सत्य को प्राप्त करना है और अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करना है, तो हमारा रास्ता नेक है। हमारी जो भावना है वह अच्छी भावना है, हम अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो हम सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने देश के लिए कार्य करना ही चाहिए। एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया, एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले इंसान तो बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। अभी जो मैंने सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाई तो वो आपको समझ में आई होगी, एकता में बहुत ताकत होती है। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया, कहते ना बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो बूंद बूंद से दरिया बन जाती है, नदी बन जाती है, सागर बन जाते हैं। और एक से एक मिले जर्रा तो, अगर एक एक कण मिल जाए तो रेगिस्तान बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। और एक से एक मिले राई, राई एक छोटा सा दाना होती है, तो एक एक राई अगर मिल जाए तो पर्वत भी बन सकता है। इसी प्रकार से अगर इंसान एक से एक मिल जाए तो वो अपनी किस्मत को बस में कर ले। इंसान क्या नहीं कर सकता अगर वो इंसान मिलजुल कर काम करे, मनुष्य की आपसी सहयोग से ही अगर काम करे, काम करना चाहिए, तो वो क्या नहीं कर सकता। अर्थात मनुष्य को मिलजुल कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए। परिश्रम से अपने भाग्य को मनुष्य स्वयं बना सकता है, क्योंकि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। समझ में आया आपको? तो आज हमने पढ़ा वसंत भाग 1 का पाठ 7, साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद।